गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ लेके आया हूं, जो आप लोगों के आमीन और राजस्व कर्मचारी थे जो नोटिफिकेशन नंबर 03/2017 और 04/2017 थे उसके जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड आप लोगों को, और कैसे उनसे अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोगों को क्या करना है, और आप लोग एग्जाम किस टाइप के होंगे, कितने पहले पहुंचना है, क्या क्या लेके जाना है, और एग्जाम से जुड़े सारे सवालों की जानकारी आज मैं इस सेशन में दूंगा। तो दोस्तों, जरूर मुझे इस सेशन को लास्ट तक देखते रहिए, और दोस्तों मुझे लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये थी आपकी वैकेंसी जो थी, जो रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी दो थी, ये 03/2017 जो थी आमीन, देखिए रेवेन्यू एम्प्लॉई, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने अगर अप्लाई किया होगा तो उसके लिए जो है ये सारे पोस्ट थे 169,557, ये सारे पोस्ट थे डिफरेंट आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से। ये जो GSSC की जो रिक्रूटमेंट थी ये थी, ठीक है। और इसके जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्जाम डेट आप लोगों को पता होगा, एग्जाम डेट 8 तारीख को है, ठीक है, नेक्स्ट महीने के 8 तारीख को एग्जाम डेट है, मीन्स 8 अक्टूबर को आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो और टाइमिंग क्या होगा, कैसे आपको एग्जाम देना है, सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है www.jssc.nic.in, ठीक है, www.jssc.nic.in आपको टाइप करना है गूगल में जाके। जैसे ही टाइप कीजिएगा, देखिएगा आप लोगों को, क्लिक कीजिएगा आप लोग, इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये पेज आपके ओपन हो जाएंगे। ये पेज ओपन होने के बाद आपको देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ, एडमिट कार्ड फॉर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2017, यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, देखिए, ठीक है, आपको www.jssc.nic.in पे जाना है, वहाँ क्लिक करना है। जैसे कीजिएगा, ये GSSC की साइट आपकी ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको ये दिखेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है एडमिट कार्ड फॉर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2017, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये जैसे आप लोग पेज देख पा रहे हैं, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा रहेगा कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है, या तो प्रिंट आउट एडमिट कार्ड या तो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के अपना कर सकते हैं। अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए या खो गया फिर से, तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग जाइए, जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ पे जाइएगा, अंदर जाके आप लोग का नाम पूछा जाएगा, अपना नाम फिलअप कीजिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे अगर उसके नोटिस एडमिट कार्ड से रिगार्ड सारी नोटिस यहाँ पे दे रखी है, इंपॉर्टेंट नोट्स जो है क्या क्या करना है वो सारी थिंग्स यहाँ पे दे रखी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, पहले अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कैसे होगा, और नहीं है तो कैसे होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो क्लिक कीजिएगा तो ऐसे बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्मेट आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ भरने का। पहले डेट भरना है, मंथ भरना है, ईयर भरना है, आप लोगों को भर दीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नीचे आपके सबसे नीचे लास्ट में ऑप्शन रहेगा डाउनलोड करने का या तो प्रिंट करने का, वहाँ क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपके प्रिंट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो है डाउनलोड करने कैसे आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है दोस्तों, अगर आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो देखिए इस तरह के आप लोगों के बॉक्स ओपन होंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोगों को डालना है, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी जो रजिस्टर किया था वो डालना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको इस बॉक्स पे जाना है, यहाँ पे चले जाइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा और लॉगिन कीजिएगा, आपके डाउनलोड हो जाएंगे एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये दोस्तों एग्जामिनेशन की कुछ डेट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे 8 तारीख को आपके एग्जाम होंगे, देखिए 8/10/2017 जो संडे होंगे उस दिन आपके एग्जाम होंगे। फर्स्ट ट्रिप जो होंगे उसके 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होंगे। पहला पेपर जो होगा पेपर 2 होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपका होगा 7:45 पर आपको रिपोर्ट करना है, 8:30 बजे एग्जाम होगा, रिपोर्टिंग टाइम 7:45 पर आप लोग याद कर सुबह के, ठीक है, 8:30 बजे एग्जाम होगा, 10:30 बजे तक पहला पेपर पेपर 2 होगा। जो आप लोगों ने लैंग्वेज पेपर भरा है, जिन्हें हिंदी भरा है, इंग्लिश, संथाली, कुड़माली जो भी भरा है, वो सबसे पहले होगा 2 घंटे का, ठीक है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट होगा 12:00 से 2:00 बजे तक, ठीक है, उसका रिपोर्टिंग टाइम होगा 11:30 बजे, उसमें जनरल नॉलेज के जो भी थे वो एग्जाम होंगे पेपर 3 के। उसके बाद लास्ट में जो था फर्स्ट पेपर जो था हिंदी और इंग्लिश जो सबके लिए कंपलसरी था, और क्वालिफाइंग पेपर जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, उसका रिपोर्टिंग टाइम जो होगा 3 बजे से होगा, 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उसके एग्जाम होंगे, ठीक है। ये थे फॉर्मेट, इस तरह से एग्जाम होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट के लिए, सारे एग्जाम्स जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होंगे, ठीक है, कोई सब्जेक्टिव कुछ भी आपको लिखना नहीं,
नहीं है। दूसरी बात है सारे एग्जाम्स जो होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने ये प्रश्न किया था मुझे कि सर एग्जाम के पेपर के लैंग्वेज क्या होगा, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश पेपर में लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन नहीं होंगे, आपके सारे एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे। आपको OMR शीट पे कलर करना है, ठीक है, OMR शीट भरना है। इसके लिए आपको ब्लैक बॉल पेन ले जाना है, बार बार याद रखिए 2 ब्लैक बॉल पेन आप लोग अपने साथ जरूर ले जाइए, साथ में अपना वोटर आईडी या तो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस हो या तो आधार कार्ड हो उसका ओरिजिनल आप लोग जरूर लेके जाइएगा, वरना आपको एंट्री करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो अपने साथ उसके 2 कॉपियां फोटो की, साथ में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो, और साथ में जो चलान आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप किया था उसका, तीनों को लेके आपको JSSC के ऑफिस जाना है, ठीक है। 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक, ठीक है, 3 तारीख से 5 तारीख तक जाना है JSSC के ऑफिस में, वहाँ आप लोग सबमिट कीजिएगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपके ब्लॉग यहाँ पे बाकी और कोई चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें मैंने बता दी कैसे डाउनलोड करना है। और बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।